उत्तर प्रदेश में अवैध खनन के मामले में जो चेहरा सबसे ज्यादा घेरे में नजर आ रहा है वो है खुद राज्य के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति का। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के शिकंजे से गायत्री प्रजापति की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, राज्य की अखिलेश सरकार भी घिरती नजर आ रही है। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच रोकने की अखिलेश सरकार की याचिका को खारिज करते हुए तल्ख टिप्पणी की। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि अगर सरकार में शामिल लोग और सूबे के अफसर अवैध खनन में शामिल नहीं है तो फिर सरकार सीबीआई जांच से इतना घबरा क्यों रही है। कोर्ट ने यह किया है कि इनकी रिकॉल एप्लीकेशन, ये कहे कि सीबीआई को जो मैटर रिफर किया गया हो वो ऑर्डर वापस कर दिया जाए। कोर्ट ने उनकी दरखास्त खारिज कर दी और साथ साथ ये भी कहा कि 4 हफ्ते बाद केस लगाई जाए और जो टेक्नोलॉजिकल इंटरफेरेंस है उस पर रिपोर्ट ली जाए। यूपी के एक दर्जन से ज्यादा जिलों में माफियाओं और अफसरों के गठजोड़ से हुए अवैध खनन की शिकायतें इलाहाबाद हाई कोर्ट में आई थी। मामले में अदालत से जवाब मांगे जाने पर यूपी सरकार ने अवैध खनन होने से इनकार कर दिया। मामले को दबाने के लिए अफसरों पर अदालत में झूठे हलफनामे दाखिल करने के लिए आरोप लगे। मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने गुपचुप तरीके से वकीलों की एक कमेटी से जांच कराई तो तमाम जगहों पर अवैध खनन के आरोप सच पाए गए। इसके बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और 28 जुलाई को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई जांच के खिलाफ दी गई अर्जी खारिज होने से अखिलेश सरकार बैकफुट पर है। मामले में राज्य सरकार का रुख जानने के लिए जब एपीएन ने एडवोकेट जनरल से संपर्क किया तो उन्होंने बयान देने से इनकार कर दिया, लेकिन संकेत मिले कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। बहरहाल चुनावी मौसम में लगे इस अदालती झटके से खुद को उबारना राज्य की सपा सरकार के लिए आसान नजर नहीं आ रहा। अवैध खनन मामले में सीबीआई जांच से बचने की कोशिश कर रही सपा सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच नहीं कराए जाने की राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट का फैसला ऐसे वक्त आया है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ने लगा है। चुनावी मौसम में लगे कानूनी झटके से उबर पाना सपा सरकार के लिए आसान नहीं है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ आलोक कुमार सिंह, एपीएन इलाहाबाद।